उन महिलाओं के लिए जिनको रक्त प्रदर की समस्या, निश्चिंत ही लाभ होता है। परीक्षित नुस्खा है, रामबाण नुस्खा है, कोई काट नहीं सकता इस नुस्खे को। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। और आज की वीडियो हमारी स्पेशल उन महिलाओं के लिए है जिनको रक्त प्रदर की समस्या। बहुत ही छोटे का नुस्खा आपको बताता हूं। कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नुस्खे के लिए वो चाहिए, नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी, अमेजोन से मंगाइए, फ्लिपकार्ट से मंगाइए, आपके घर पहुँच जाएगी, तुरंत इस्तेमाल कीजिए, तुरंत फ़ायदा पाइए, बहुत ही सस्ती चीज़ है। और समझना वीडियो को पूरी अंत तक देखना, नुस्खा अच्छे से समझ में आए, वीडियो अच्छे से समझ में आए। और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का तुरंत जवाब दिया जाता है। यहाँ पर मेरे पास में है अशोक का पेड़। पहले हमें इसकी पहचान कर लेते हैं ताकि आपको कुछ जो मतलब इधर उधर के प्रश्न होते हैं वो बीच में उत्पन्न ना हो। अशोक का वृक्ष आम के वृक्ष के बराबर होता है, ये लीजिए, आम के जितने बड़ा होता है, आप इसे आसानी से पहचान सकती हैं। अशोक, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कई जातियाँ होती है। एक जाति के पत्ते राम फल के समान होते हैं, फूल नारंगी रंग के होते हैं। राम फल का जो पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं अमरूद के पत्तों की तरह, लगभग उसी जैसे। तो ये बताते हैं, एक जाति के पत्ते अमरूद के पत्तों जैसे होते हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए, मतलब आकृति में उस प्रकार के होते हैं, जो वसंत ऋतु में मिलते हैं। इसी को लैटिन में जोनेसिया अशोका कहते हैं और वहीं असली अशोक है। दूसरी जाति के अशोक के पत्ते आम के पत्तों की तरह होते हैं, आम के पत्ते अमरूद के पत्तों से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल चिकने वगैरह होते हैं वो। तो दूसरी जाति आम के पत्तों की तरह होते हैं और कुछ पीली झाई लिए हुए सफ़ेद रंग के होते हैं। इन पर चौमासे के प्रारंभ में फल आते हैं। चौमासा अगर आपको नहीं पता है तो सावन को बोलते हैं, चौमासा हमारी हरियाणवी भाषा में बोलती है। कच्चे फलों का रंग हरा और पकने पर ललाई लिए हुए काला हो जाता है। यह अशोक असली नहीं होता, फिर भी लोग औषधि कार्य में इसका उपयोग करते हैं। एक अशोक होता है जिसे सीता अशोक के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है, वही असली अशोक है। एक अशोक होता है, उसे अशोका का पेड़ बोलते हो और घर के बाहर लगा लेते हो और सीधा ऊंचा जाता है वो, एक बीच में डंडा होता है, मतलब कांड होता है उसका, बीच से कांड निकलता है और कांड पे ही चारों तरफ हमें पत्ते वगैरह लगते चले जाते हैं, जैसे एक्समैक्स ट्री पर जो होता है ना, उस प्रकार से। अशोक जो होता है मधुर, शीतल, हड्डी को जोड़ने वाला, प्रिय सुगंधित, कृमिनाशक, कसेला गरम कड़वा, देह की कांति को बढ़ाने वाला, स्त्रियों के शोक को दूर करने वाला, मलरोधक तथा पित्त दाह श्रम गुलम उदर रोग, पेट के रोग, सूल दर्द, विष, जहर, बवासीर, वर्ण मतलब फोड़े फुंसी वगैरह, तृष्णा प्यास, सूजन, अपच न पचने वाला भोजन, और रुधिर रोगों को दूर करने वाला, रुधिर रोग अर्थात खून को साफ करने वाला है ये बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अशोक की छाल नुस्खा कुछ इस प्रकार है। अशोक की छाल आठ तोड़ा 80 ग्राम, 100 ग्राम ले लीजिए, क्योंकि पहले का जो तोड़ा होता था वो थोड़ा बड़ा होता था, 10 ग्राम से ज़्यादा, पर आज के समय में हम 10 ग्राम के हिसाब से लेकर के चलते हैं। 8 तोड़ा 80 ग्राम, उसे 64 तोड़ा पानी में अर्थात 640 ग्राम ml में होगा वो तोला पानी में उबालना चाहिए। जब 3/4 पानी जल जाए तब उसमें 8 तोड़ा गाय का दूध डालकर फिर उबालना चाहिए, अर्थात 80 ग्राम, फिर 80 ml गाय का दूध डालकर फिर से उबाल लीजिए। जब सब पानी जलकर दूध मात्र शेष रह जाए तब उतारकर मल छानकर रोगी को पिलाना चाहिए, इससे रक्त प्रदर में बहुत लाभ होता है। 640 तोला पानी आपने उबालना है उसके साथ में छाल में, जब 3/4 640 का 3 भाग कर दीजिए,
इतना पानी आप ले लीजिए और दूध डाल दीजिए 80 तोला, मतलब 80 ग्राम, और 80 ग्राम डाल दीजिए। जब वो पानी भी जल जाए, मात्र वो 80 ग्राम जो है दूध वो बच जाए, अपना आप लीजिए कि 80 डालने पर कितना होता है। ध्यान रखिए उसका, उस किनारे का, कि इतना जल जाए। थोड़ा बहुत पानी फालतू भी रह जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इससे रक्त प्रदान में निश्चिंत ही लाभ होता है। परीक्षित नुस्खा है, रामबाण नुस्खा है, कोई काट नहीं सकता इस नुस्खे को। आशा करता हूँ नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा। सीता सोक के इस नुस्खे की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं।